अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीस अर्जुन सांगरा, आपका भाई, आपका दोस्त। अब तो जागो मुसलमानों, मेरे भाइयों, ये देखो बाटवा के अंदर में मस्जिदों के क्या हाल हो रहे। मेरे इतने सारे वीडियो है, उसके अंदर में से अहम भाग ले लेके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो फतवा है मैंने धोरा जी के मदरसे मिस्किनिया से मंगाया हुआ है, मेरे अपने खुद का घर का नहीं रखा हुआ है। वो यही मदरसे मिस्किनिया के अंदर में हमीद गोडिल जिम्मेदार है, कि जबकि बताया गया हुआ है कि जो मस्जिदों को बेरहमती करते उसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग कहीं पे भी होदेदार बनने के लिए लायक नहीं है। और जो कोई भी उसको साथ देते हैं अल्लाह का गुनहगार वो भी होगा। तो जनाब इकबाल भाई ऑफिसर मेमन फेडरेशन के चीफ, उन्होंने ये हमीद गोडिल को वीपी बनाया हुआ है। बाटवा के अंदर में जनाखोरी, दारू, जुआ, हर तरह के काम होते हैं मस्जिदों के अंदर में। प्रॉपर्टियाँ दबा लिया, होदे दरबार से चंदा मंगा मंगा के घर भर रहे हैं, और कई सारी प्रॉपर्टियाँ कब्जे हो गई है, दादागिरी है, कई लोगों ने वहाँ पे भैंस के तबेले वगैरह बना दिया हुआ है। तो सब लोग आके आगे आओ मेरे भाई, ये वीडियो देखो और उसके लिए आवाज़ उठाओ। ये एक नेकी का काम है, मैं खुद अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। और ख़ास करके हमारे जितने भी मेमन संस्था के अहदेदार हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सब पूरा जो कुछ भी हो रहा है ये मेमन संस्थाओं के जो रहबर है वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या ये फतवा देख के इकबाल भाई ऑफिसर हमीद गोडिल को वीपी के पद से हटाएंगे? क्या मदरसे मिस्किनिया ये हमीद गोडिल को अपने अहदे से मदरसे मिस्किनिया वाले हटाएंगे? क्या धोरा जी के मेहमान लोग उसको मेहमान जमात के अंदर में से हटाएंगे? क्या मोहसिन भाई लोखंड वाले जो ये वक्फ बोर्ड के चीफ है और उसके दोस्तार है वो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे? हाँ, वो अबू भाई को मालूम है और इंशाल्लाह हम बाटवा भी जाएंगे, तो वहाँ की कितना क्या मिला है, और फिर बाटवा के डॉक्यूमेंट अबू भाई के पास है, और बाटवा के पेपर और दूसरे जो भेटर है वहाँ का केस है, के जो मतलब केस मस्जिद का जुमला खोला हुआ, तो इसके ऊपर केस किया हुआ है जुमा मस्जिद, और मतलब समाधान के लिए बुला रहे, तो देखते हम कल हमीद भाई को लेके हम शायद हो सकता है कि बाटवा जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा एक मैटर है जो खास करके मैं पूछना चाहता हूँ, हमीद भाई, जो आपने कमला साहब की दुकानें ली आपने, तो कितने में लिया और आपने कितने में बेचा? मैंने वो दुकान नहीं, धोरा जी कपड़े साहब की जो दुकान है तो दुकान नहीं, तो ये तो अपने नए रोज वाला काम है, मस्जिद करी फतवो गिनी मस्जिद पूरा करन जो ई प्रमाण करियो खपे ने के आखरी मस्जिद खुला मुंडा जो साचवनो ने ई मिके जी 4 लाख रुपया मैसा के दिनु है, बोलो। हां विडिया भी तले जाहिर करू मोती आने इनिए करू होइन काकड़ो तो माल दबाई ना आज भेगा चला ने पछे फोटा वायरल करना के असायु ना नारो इज बजे कमकाज करू था आने बाटवा जी आखी मस्ती दू धोरा जी जे जमात के सौंपेली उठ तो फरज की जो बने तो बनान जो ये तो जमात जो बने ने तो हम सीओ से आज साहब ये सीओ से आओ उपाय गोडिल कह रहा है। हां अभी गोडिल हां इनके हम सीओ से भाई पानी जवाबदारी है नीचे जो पानी किया तो अबे पा કેટલો ભંડોળ હોય એ પ્રમાણે કરવું તા ને બધે કે ચૂયા કોઈ પૈસા છે તો પાછી દીજે તારો એનો ભંડોળ પીઆઈ ને અમુક રૂપિયા પીઆઈ ને બાટવા જા બરોબર હે બાટવાજી। और ये आप देखो ये जो मस्जिद है पुरानी मस्जिद का गेटअप है मिंबर है ये टीवी लगा हुआ है और ये जो दरगाह है તમે રહ્યો છો બેન અહીંયા એટલે બનાવ્યું છે કે ભારે લીધું છે? तो आ कोनो छे साहेब? अमीन भाई केवा ओसे निंगोड़ा निंगोड़ा से। अच्छा अच्छा, तो मैं ये आपको सब बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक दरगाह भी है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी है, और ये देखिए आप यहाँ पे आइए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे अंदर भी दरगाह है, दरगाह है। और यहाँ के आप देख रहे हैं कि ये जो अभी मकान बना हुआ है 4 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और
बहन का सिम मत लेना, ऐसे चले जाए तो उसके बाद भी आप यहाँ पे दिखा दो कि ये जो मकान बना हुआ है किसकी परमिशन से बना हुआ है, किसकी इजाजत से बना हुआ है। यहाँ का ले लीजिए आप, ये साइड, यहाँ पे आगे की साइड पे भी रास्ता है, और इसके जो बाजू में एक मार्केट बनी हुई है वो भी कई टाइम पहले यहाँ की जो जगह है, यहाँ के जो जवाबदार अधिकारियों ने वो बना के वो बेट डाला है। अहिया से पाचर भी रस्तो छे ने, तो यहाँ पे दिखा है यहाँ से भी रास्ता है। इसके पहले मैं 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, पूरा मस्जिद का जगह था। हाँ, जमात वालों ने जिसको दिया था वो आप वीडियो में नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। सालों से जिसका कब्जा था। हाँ, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, धार्मिक जगह पे मतलब कि इतनी लापरवाही बेदरकारी नहीं कर सकते ना कोई भी धार्मिक। मस्जिद के अंदर में हिंगोड़ा करके आरिफ के कुछ ऐसा नाम है, उसने मकान बनाया हुआ है, तो कौन वो मस्जिद का नाम क्या है? वो मस्जिद का नाम शायद रेमानिया का ऐसा कुछ नाम है, मुझे पता तो नहीं पता। आपको तो मालूम, वो तो मालूम है ना, मस्जिद के अंदर में दरगाह ने मेंबर शरीफ है, बाजू में मार्केट मार्केट पहले बनाया हुआ है, मार्केट अपने अपने वाले लोगों ने बनाया हुआ है, वो आरिफ 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 के नाम है ना। हिंगोरा कौन है? आरिफ हिंगोरा है, कौन है? आरिफ हिंगोरा नहीं है, उसका नाम तो समीर हिंगोरा है। अच्छा, समीर हिंगोरा ने। अच्छा, तो ये अभी कुछ एक दो साल में मस्जिद में ये बिल्डिंग खड़ी कर दिया है ना? हाँ शायद, हाँ शायद समझ लो आगे पीछे सेम चीज। तो उसको किसी ने रोका नहीं? रोकने का नहीं होता, वो क्या है, सब गाली गलौज वाले इंसान है, कौन उनके पास जाएगा मार खाने के लिए। एक बिल्डर ने यहाँ का पूरा मलबा बेच डाला था, और आज का जो ये हमीद गोल्डी नागो बावो जो धोराजी का प्रमुख बना हुआ है, पहले सेक्रेटरी था, और इसने पुलिस केस भी किया हुआ था। प्रेस में थी, एक मिनट बात कर, प्रेस में थी, बोलो बात करूँ छू, વાત કરું છું, આપો બોલો છું, હા તો એને મારે ઇન્ટરવ્યુ તો દેવા દીધો, એને બતાવું છું બધી જગ્યા, કોને ઇન્ટરવ્યુ? મારે રેકોર્ડિંગ થાય છે એમાં, પણ તમે કોને પૂછી મારા ઘરમાં આવ્યો છો? ઘરમાં નથી, તો આ ઘર નથી, તો શું છે? પ્રેસ છે ને મસ્જિદ છે, મે મસ્જિદ ની અંદર મે જવા જઈ રહી છે, ના રેકોર્ડિંગ છે ને હું મોમેડન છું, બરોબર? હું તમે મોમેડન છો, મોમેડન છો, પણ તમે કોની રજા છે અંદર આવ્યા? આ મસ્જિદ છે, આ મસ્જિદ છે, મસ્જિદ છે ને એની અંદર માં કેસ આલે છે, અમે દેખાવા માટે પબ્લિક, કોની અરે કેસ આલે? આ જે એ બિલ્ડરે જે તોડી નાખ્યું છે ઈને મે ખુદ કેસ કર્યું છે। कौन बिल्डर तोड़ू? आज ये बिल्डर जे कई भी तोड़ू होय, जे केदी केस थियो, कोनो केस नहीं बची मस्जिद असा विया थी। आई व्यापारी वाले जंदर में चुनावा केवडा मस्जिद जो कोई जो भाग ज नहीं बचियो, ये बचियो ज नहीं, कि मस्जिद जो से नहीं, कि किदा कुरवा बदो बदो मैदान थी, उकेड़ा थी, ये उकेड़ा थी वेन, ये तो मतलब के कोई मकान मकान बनाया इन के पर बेसु बदो बंदे व्यापारी वसु बेसु बदो बंदा न होई जे तो कोई कोई तो कोई चुई नहीं तो राजा घर केतरा असा करू ना पजो सोकरा। अब यहाँ पे देखिए ये पोजीशन, इससे पहले मैं आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे दारू जुगाड़ कोई चीज बाकी नहीं रहती। अब यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी है, तो अगर जो किसी ने लिया है, सरकार ने लिया है। अब देखिए मदरसा है यहाँ पे, देखिए ये अगर जो किसी का कब्जा नहीं है तो सोफा कहाँ से आया, ठीक है? और ये देखिए दारू की पन्निया यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये देखिए ये पूरी दारू की पनिया है, ठीक है? ये दारू की पनिया, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। इसके पहले भी मैंने कई लोगों को जुआ खेलते हुए भी पकड़ा था यहाँ पे। अब पूरा ये जो देखिए आप यहाँ पे, अब हो सकता है कि यहाँ पे ये देखो पूरा दारू से भरा हुआ है। एक समय के अंदर में यहाँ पे मदरसा चलता था, ये दिखाई देखा है, ये पूरा दारू है, पूरा दारू है। एक समय के अंदर में मदरसा मस्जिद ऐसी ऐसी चला, ये चल रहा है, તો એમને દારૂ ની પન્ની આવી ગઈ, દારૂ ની કોટલી બોટલી અહીંયા, હા તો એ જ કહું છું, જુગાર એટલું બધું અહીંયા રમાતું હતું, બે ચાર ફેરી તો જુગારીઓ ને મેં પાઇકડા હતા। આ ભાઈ નો વિડીયો લઈ લે, હા હું પ્રેસ માંથી છું ભાઈ, તમે પીર બાબા નો કયો, અમારે મેમ્બર હોય એટલે મસ્જિદ એટલે અત્યારે કઈ જોવા જેવું અહીંયા બિલકુલ નથી, મતલબ કે આપડે ઓલી પ્લેન જમીન થઈ ગઈ ને વંડા બધી ગયા છે। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो भाई बता रहे हैं, अभी हम पीछे की साइड पे जा रहे हैं, एक स्कूल भी छे ना हम गली नी अंदर,
हाँ ये तो गौर सर जी, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं आगे की चल के, और यहाँ से ये बता रहे हैं ये सांप के पीछे की साइड पे भी एक दरगाह है, मस्जिद है, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। आइए आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ चलते चलते, ये दिखाए मस्जिद का सीन दिखाई ऊपर से। देखिए तो क्या ये मस्जिद को आबाद करने की तजवीज हो रही है, अगर जो नमाजी नहीं है और फिलहाल ऐसी तरह ये जो काम हो रहा है तो ये ताजुब की बात है। मैंने धोरा जी तो जमात बता नहीं रही मेरे को, ये देखिए ये पूरा मलबा पड़ा हुआ है अंदर का, मैं आपको अभी मैं ले जा रहा हूँ अंदर में। और मैं यहाँ पे आया था जब भी बहुत मतलब कि ऐसी पोजिशन थी कि यहाँ पे हराम काम होते थे, दारू शराब वगैरह ऐसे पिया करता था। अभी साफ सफाई हो गई है लेकिन कई समय से काम बंद हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा देखो ये एक मेरे को ये अभी तक देखने मिली, ये शराब की बोतल है और मैकडोल है देखो। अभी भी फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग आते हैं ऐसे काम करते हैं, खुला पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बांध काम हो रहा है, ये देखो तो आपको जो बाढ़ का सी तो ये देखिए मस्जिद को दीवार के अदा के उनका जो कलर काम का जो है वो जो छपरा लगा हुआ है, और मस्जिद की दीवार कितनी गंदी की हुई है, और बाहर देखो तो ये लोग अच्छा खासा कलर करके बैठे हुए है। आइए यहाँ पे आइए, ये देखिए आइए यहाँ पे आइए आइए, ये देखिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से इतनी विनती है कि इसके बाबत में आप लोग सब आवाज उठाओ, यही मेरी आप लोगों से आजी जाना अर्ज है। जो स्टेशन वाली मस्जिद बोला जाता है, देखिए यहाँ पे बांटवा का पुराना स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आइए, ये दूर से हम दिखा रहे हैं, ये बांटवा का स्टेशन है। और आज हम यहाँ पे आए हुए अपने स्टेशन वाली मस्जिद बोला जाता है, आइए अंदर में। और ये देखिए ये सब अभी नई दुकानें बनाया हुआ है, तो किसकी परमिशन से ये प्रॉपर्टी बिक रही है, दुकानें बिक रही है, ये इतना सारा ये जो है ये जो मेहमान जमात के हस्तक है, तो फिर यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जब ही बापू भी यहाँ पे थे और यहाँ पे बहुत सारे मतलब के कुत्ता कुतिया है, तो यहाँ पे कोई भी आए तो सोच समझ के आना भाई, आप रेंज में रेंज में रहो आप रेंज में, नहीं तो आवाज कट जाएगी। तो हाँ तो यहाँ पे क्या है, हाँ तो ये देखिए ये जो स्टेशन वाली मस्जिद है, और नेट के ऊपर आप नजीक में आप मेरे साथ में चलिए, जो नेट पे आप देखेंगे तो इसमें बहुत आलीशान मस्जिद दिखाया गया था, और इसमें झूमर वगैरह थे, लाखों रुपए के झूमर थे। तो सवाल ये है कि ये झूमर कहाँ पे गया। अब इसके बाजू के अंदर में जो कबारी खाना है वो भी सस्ता का है, और अभी हम आगे बाइक के ऊपर चल के आपको आपको दिखा देंगे कि कैसी तरह ये सब यहाँ का जो ये है बांटवा का रेलवे स्टेशन, जो पहले यहाँ पे कई लोग आना जाना करते थे और बहुत पुराना था। अभी आपको वापस में वीडियो रुक गया था, बहुत मतलब भर गया था, अभी दिखा रहा हूँ कि मेहमान जमात है यहाँ पे कितनी दुकानें बना रही है, और इतना पैसे का वहीवट कौन करता है, कहाँ पे जाता है। अभी तो फिलहाल 17 ये मस्जिदें थी, उसके अंदर में से हम कुछ ही जगह पे पहुंच पाए हैं। ये देखिए आप कि ये जो बांधकाम था, यहाँ पे बर्फ का पुराना कारखाना थी, दुकानें थी, उसको तोड़ दिया गया है, और अभी इसको नए सिरे से काम कर रहा है, लेकिन कौन बना रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है,
जिसको तमारी तमारी खाना बोला जाता है। और ये जो है ये दुकानें है, और अभी यहाँ पे जहाँ पे हम शूटिंग लिए थे वो जो ऊपर ये मेरे को यहाँ पे एक चाचा थे पहले, कई साल पहले मैं आया था। हाँ वो नहीं 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 भाई, बच्ची का मत लो आप, बच्ची का नहीं आप, नहीं नहीं वो कहाँ है वो अभी। और यहाँ पे देखो ये पेशाब वगैरह किया जाता है यहाँ पे, ये देखो ये गंदगी है, दारू की दारू इसके पहले भी, ये देखो देखो ये मतलब कि जो पेशाब खाना बनाया हुआ है, पेशाब खाना बनाया। और आपको इसके पहले में आया था ये देखो, ये देखो ये दारू की पन्नी है, आगे ले जाओ कैमरे में दिखाओ, दूर से दिखाओ, ये देखो ये दारू की पन्नियाँ वगैरह यहाँ पे दारू दारू वगैरह ये सब काम किए जाते हैं। आओ आगे आओ, ये मकान ऐसे ही पड़े हुए, ये लोग ना तो किसी को ये काम सौंपते हैं, ना किसी को करने देते हैं, ना कुछ आगे के साइड पे ये जो कामगिरी आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए मैंने कई बार हमिद गोडिल से भी बातचीत किया था, मैंने चर्चा किया था कि आप उसका कुछ निराकरण करो, लेकिन आज ये लोग कुछ भी निराकरण नहीं करते। ये देखो ये पूरा हालत, ये देखो यहाँ की, अब यहाँ पे बहुत अच्छा भाईचारा है सुपेरी का।